अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने घर के लोड के बारे में मालूम कर पाएंगे। कैसे आप देख सकते हैं अपने मीटर के अंदर जाकर कि हमारी कौन सी अप्लायंस हमारा कितना लोड ले रही है, और इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारी अप्लायंस का कितना लोड है और हम किस लोड को कब चला सकते हैं। अगर किसी के घर में इन्वर्टर लगाना है, UPS लगाना है, तो उसे पता होगा कि मेरे घर का लोड इतना है, या अगर मेरा AC चलता है तो इतने वॉट क्या कंज्यूम करता है। तो इस मीटर के ज़रिए आज हम इस वीडियो के अंदर अपने जो है वो देख सकेंगे कि हमारे कोई भी अप्लायंस कितने वॉट कंज्यूम करती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो अभी इस मीटर के ऊपर 0.55 लिखा हुआ है, ये हमारे घर का अभी लोड चल रहा है, और ये 5 नंबर इधर लिखा हुआ है, ये हमारे मीटर नंबर है, और इधर कोने पे 1 लिखा हुआ है। ये 2 ये हमारे पिछले साल का लोड है, हमारे पिछले साल कितने वॉट वगैरह यूज़ हुए थे ये लिखा हुआ है। और ये हमारे पिछले महीने हमारे 2020 वॉट हमारे पिछले महीने यूज़ हुए थे ये उसका है। ये भी हमारे पिछले मंथ का है, 2040 वॉट हमारे पिछले मंथ यूज़ हुए थे। और ये अभी हमारा करंट लोड चल रहा है। जो है मैं अपने घर का सारा लोड बंद कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे घर का पूरा लोड बंद हो चुका है। ये हमारा स्विच भी ऑन है लेकिन हमारी पावर नहीं आ रही, हमारी पावर कट हो चुकी। अभी हमारे पिछले महीने का बिल नज़र आ रहा है आपको, और ये देखें 0.00 वाट अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर की जो बिजली है वो कट ऑफ है। अब मैं बिजली को ऑन कर देता हूँ और हमारा जो AC है उसको 16 पे रख के चेक। दोस्तों अब जो है हम इस AC को अपने रिमोट से ऑन करेंगे और इसे 16 डिग्री पे रख के चेक करेंगे कि ये कितने वाट हमारे कंज्यूम करता है। ये देखें हमने अभी इसको कम करना है, इसे 16 पे सेट कर देना है हमें। ये देखें हमारा भी ये 16 पे सेट हो चुका है, और इसका फ़ैन भी पूरा खोल देते हैं। हमारा ये जो फ़ैन है ये ऑन हो चुका है, और अब जो है हम बाहर जाके इसके वॉट वगैरह चेक करते हैं। और ये इन्वर्टर वाला AC, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, ये इन्वर्टर वाला AC है हमारा, और 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी होती है, और ये पैल कंपनी का AC है हमारा। ये तो हमारे पिछले महीने का है बिल, और अब जो है ये आने वाली है रेटिंग। ये देखें अभी 1.5 यानी ये 1500 वॉट हमारा AC अभी ले रहा है हमारी आउटपुट से, और अब जो है हम इसको 26 पे सेट कर देते हैं। ये देखें हमने अपने AC को 26 पे सेट कर दिया है, और अब जो है हम देखते हैं कि ये कितने वाट ऑफ कंज्यूम कर रहा है। जब 16 पे था तो इसने 1500 वाट हमारे कंज्यूम किए थे। अब हम बाहर जाके अपने मीटर के पास चेक करते हैं, मीटर के पास जाके चेक करते हैं कि अभी ये कितना लोड हमारा कंज्यूम कर रहा है। अभी आप हमारा फ्रिज भी देख सकते हैं, हमारा फ्रिज जो है वो ऑफ है, देख सकते हैं यहाँ पर 1.4 यानी कि 1400 किलो वाट अब भी हमारा ये कंज्यूम कर रहा है मीटर। दोस्तों अब आपने देखा जी, हमने अपने घर का सारा लोड बंद कर दिया, फिर भी हमारा AC 26 के ऊपर 1.4 यानी कि 1400 वाट ले रहा है। मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1.4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, और ये आप लोग देख सकते हैं हमारा 1400 वाट जो है हमारे AC 26 पे चलने के बाद भी कंज्यूम कर रहा है। और एक 1.5 थी, हमें क्या करना है, हमारे जो वाट होते हैं वो 1000 होते हैं, तो हमें 1.5 लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। कोई भी चीज़ लोड हो आप उसको ये नहीं, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 1500 वॉट हमारा AC 16 के ऊपर ये कंज्यूम कर रहा है। और ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह